वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब जी का स्वागत है। अपनी अज की वीडियो शुरू करन तो पहला आप जी दे चरणा दे विच बेनती आ कि वीडियो नू पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुनियो जी, क्योंकि अपनी अज की वीडियो का विशा है अमृत वेला। अज की वीडियो दे विच आपां गल करनी आ कि जो भी कितें रात वेले अचानक साड़ी अख खुलदी आ, रात नू एकदम अचानक सानू जाग आ जांदी आ, अते समा उदो की हुंदा है 2 बजे तो बाद दा, ता फिर उस समय दे विच हिम्मत करके ये 3 शब्द जरूर बोलने आ। ये 3 शब्द जेकर आपां रात नू 2 बजे तो बाद अख खुलण करके बोलदे आ ता साड़े उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह दी बेअंत कृपा हो सकदी आ। तो फिर वह किहड़े शब्द ने, क्यों बोलने ने, अते बोल के साडे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा किंज हुंदी आ, ये सारी गलबात आपां अज दी वीडियो दे विच करांगे। इस करके वीडियो नू पूरा अंत तक ध्यान दे नाल सुनना समझना। जेकर ये वीडियो चंगी लगी तो फिर इस नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना, अते नाल नाल कमेंट बॉक्स दे विच जाके वाहेगुरु जी जरूर लिख के आना। आओ अज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, अमृत वेले दा वेला बहुत पावरफुल आ, बहुत ताकतवर आ। अमृत वेले दे विच उठना, उठ के उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी का नाम जपना, अपने बाकी सारे काम धंधे समय सिर कर लेने, ये सब दे वस दी गल नहीं आ। ये बहुत विरले मनुख आ जो सूरज चढ़न तो पहला पहला अपनियां 3 जिम्मेवारियां भुगता लेंदे ने। सब तो पहली जिम्मेवारी अपने वाहेगुरु अकाल पुरख जी दे प्रति, दूसरी जिम्मेवारी अपने आप दे प्रति, अते तीसरी जिम्मेवारी अपने परिवार दे प्रति, अपने दुनियावी काम धंधियां दे प्रति। नहीं तो बहुते मनुख इस कीमती वेले दे विच सुते रहिंदे आ। कईआं नूं तां गूढ़ी नींद ही अमृत वेले दे विच आउंदी आ। वो कहिंदे ने कि सानू सारी रात नींद नहीं आउंदी, सारी रात पासे वटदिआं दी लंघ जांदी आ, सोचां सोचदिआं दी लंघ जांदी आ, पर जदों ही 1 तों 2 तों बाद दा समां हुंदा है ना, उदों सानू गूढ़ी नींद आउंदी आ, फिर असीं रज के सौंदे आ। इंज क्यों हुंदा है? क्योंकि असी कुछ गलत आदतां अपने जीवन दे विच शामिल कीतियां ने, कुछ गलत आदतां ने साडे खाण पीण दीआं, कुछ साडे रहण सहण दीआं, उठण बहण दीआं, कुछ माड़िया आदतां ने साडी संगत दीआं। इसे करके ये सारा माड़ा प्रभाव पैंदा है साडे अमृत वेले दे कीमती वेले दे उत्ते, क्योंकि जदों आपां देर रात तक जागण दी माड़ी आदत पा लैंदे आ तां फिर असीं सवेरे अमृत वेले किंज उठ सकदे आ। हुण बहुते बच्चिआं वल वेख लो ते कई सियाणे बयाणे वी ओह रात नूं देर रात तक टीवी देखदे ने, मोबाइल चलाउंदे ने, 12-12, 1-1 बजे तक टीवी मोबाइल दे आरे लगे रहना है, ते फिर सवेरे अमृत वेले जाग किन जावेगी? सानूं पता ही नहीं आ कि अमृत वेला की चीज आ। असीं अमृत वेले नूं बाकी 24 घंटिआं दे नाल ही रला लैंदे आ कि इह वेला वी इन्हां 24 घंटिआं दे विच वरगा ही आ, भी जे सवेरे नहीं उठाया गया तां बाकी दा पूरा दिन तां साडे कोल ही आ ना। पर नहीं, जिहड़ी पावर जिहड़ी ताकत इन्हां 3 घंटिआं दे विच आ ना, उह पूरे दिन दे विच नहीं आ। इह वेला बड़ा ही शांत हुंदा है, पवित्र हुंदा है, इह दुनिया दा शोर शराबा एकदम शांत हुंदा है। इस वेले दे विच सिर्फ उही रूहां उठदियां ने जो उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी दे नाल अपना कनैक्शन कनैक्ट कर रहियां ने। कोई पाठ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई मैडिटेशन कर रहा है, शांति दा पसारा हुंदा है सब पासे, पवित्रता रूहानीयत छाई हुंदी आ सारे पासे। इस करके इह वेला बड़ा कीमती बन जांदा है, बड़ा पावरफुल वेला बन जांदा है। इस वेले दे विच उठ के ना अपने आप नूं इक ताकत एनर्जी का एहसास होता है। इस करके जेकर इस वेले दे विच आपां उठ रहे हैं तो बड़े वड्डे भागां वाले हैं, भावें किसी भी कारण करके उठते हैं। जिन्हां दी अख रात नूं अचानक ही खुल जाती है वो तो इस तों भी वड्डे भागां वाले ने, क्योंकि अमृत वेले दे विच उठना ही साडी चंगी किस्मत की निशानी है। अमृत वेले दे विच भाव कि सूरज चढ़न तो 3 घंटे पहला जिहड़ा मनुख उठ जांदा है ना, वो कदे भी किसी भी काम दे विच पिछे नहीं रहिंदा, क्योंकि सब तो पहला उन्हें उठ के उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी का नाम जपिया। नाम जपदिआं सार उहदे मन नूं शांति मिली, मन नूं मजबूती मिली, फिर उन्हें कुछ समा अपने शरीर नूं दिता,
शरीर नूं भी ताकतवर बनाया, ताकत मिली, एनर्जी मिली, फिर उन्हें अपने जो भी काम धंधे ने सही समय दे उत्ते सही तरीके दे नाल कर ले, तो फिर उहदी जिंदगी दा कालापन, उहदी जिंदगी दी कुड़त्तन अपने आप मुक जाणी आ। क्योंकि बहुते घरां दा कलेश इसे करके हुंदा है ना कि साडे काम समय सिर नहीं हुंदे, पहला काम लेट हुंदे आ, फिर एक दूसरे दे नाल खिज खजाहट, एक दूसरे दे नाल लड़ना घुलना। पर जदों आपां अमृत वेले उठदे आ ना तां इदां दा कुछ भी नहीं हुंदा। इस करके जेकर साडे घर दा कोई भी जी अमृत वेले उठ रहा है ना, उहदी इज्जत करनी चाहीदी आ, उहनूं उहदा शुक्र करना चाहीदा है, परमात्मा का शुक्र करना चाहिए है कि वाहेगुरु जी शुक्र आ साडे परिवार दे विच कोई मैंबर तो अजिहा है जो अमृत वेले उठ रहा है, क्योंकि उहदे एक दे उठन करके ही साडा भला हो जाना है। अमृत वेले उठन वाले मनुखां दे सिर दे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह का मेहर भरिया हथ हमेशा बनिया रहिंदा है। तो इसलिए आप कोशिश करनी है कि आप भी अमृत वेले उठिए, जिन्हां दे हाथ दे विच ये मौका अपने आप ही आउंदा है, भाव कि जिन्हां नूं अपने आप जाग आ जांदी आ दो तो बाद, वह तो मालक का कोटन कोट शुकराना करना। पर कई लोग इनू रात समझ के फिर तो सौ जाते हैं, तो भावें सानू रात में डर लग के जाग आई हो, क्योंकि कई बार इदा हों कोई माड़ा सुपना आ रहा हों तो आप डर जाने, तबक जाने, या फिर कई बार इंज लगता भी जिमें किसी ने आवाज़ मारी आ, किसी ने सानू आगे जोर दी हिला दिता है, या फिर कुछ भी साडे नाल हो सकता है, जिस करके साडी अख खुल सकती है। तो जेकर साडी अख रात नूं दो तो बाद खुली आ, सानू जाग रात नूं दो तो बाद आई आ, तो सब तो पहला तो उठ के मालक का शुकराना करना है कि वाहेगुरु जी तुहाडा शुक्रिया कि तुसी आप मैनू याद किया। महापुरख जी तो इहो कहिंदे ने कि जिन्हां नूं रात नूं दो तो बाद अपने आप जाग आउंदी है ना, उन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह आप खुद याद कर रहे हुंदे ने, इस करके उन्हां नूं जाग आउंदी आ। इस करके जो मनुख भी रात नूं दो तो बाद बिना अलार्म तो बिना किसी की सहायता तो उठते आ, अपने आप जाग आउंदी, उन्हां नूं तो मालक का कोटन कोट शुकराना करना चाहिए है, क्योंकि वह मालक के प्यारियां की लिस्ट के शामिल ने। पहला मालक का शुकराना करना है, फिर उस तो बाद कुछ समा वाहेगुरु जी का जाप करना है, फिर मूल मंत्र जी का जाप करना है। ये तीन काम ही जे कि आप नेम दे नाल करना शुरू कर दीए उस कीमती वेले दे विच, जेकर 15-15 मिनट भी आप कम कर लईए तो साडे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी जरूर कृपा कर देंगे। तो यह काम कोई औखा नहीं, मालक का शुकर मनाइए, गुरु दे लड़ लगीए, गुरबाणी का ज्ञान हासिल करिए, तो देखना जिंदगी की सारी मोहताजी खत्म हो जाएगी, साड़ी जिंदगी का रोना धोना खत्म हो जाएगा, साड़ी जिंदगी भी चढ़ती कला वाली बन जाएगी, साड़ी जिंदगी दे विचों कलेश बीमारी मुक जाएगी, क्योंकि अमृत वेले का वेला ही बड़ा पावरफुल या कीमती वेला है। इस वेले नूं जरूर संभालना है, इनू संभालण दे लई पहला रात का वेला संभालना है, रात नूं समय सिर सौं जाना है। ये नियम अपने घर का पक्का कर लो कि रात नूं 10 बजे ना टीवी देखना, ना ही किसी नूं देखना।